अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है शिराज, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एचएस सर्विसेज, जहाँ पे मैं आपके साथ मोस्टली गाड़ियों की अपडेट शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अच्छी अच्छी और मुनासिब कीमत की गाड़ियाँ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं गाड़ियों से रिलेटेड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं और उनके बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की मालूमात शेयर की जाती है और वीडियो आपको दिखाई जाती है। तो चलो, बिल्डिंग की 2020 मॉडल ऑल्टो वी एक्सल, सात लाख इसकी रिजर्व प्राइस है, 8/3/2018 मॉडल है, 5 फ्रंट एक्सीडेंट है बस। चेक करें इसकी कंडीशन, फ्रंट एक्सीडेंट है, बोनट डलेगा और लाइट शेंट है, बाकी कंडीशन आपके सामने आप बेहतर समझ सकते हैं। एक ये भी 5, एक आगे मेहरान है, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है ना, वाइट कलर की सिन, नंबर रजिस्टर्ड है, 6 लाख इसकी डिमांड है उनकी, यानी कि बिडिंग की प्राइस है, यहाँ से स्टार्ट होगी। 2019 मॉडल है, इसी तरह है इसके आगे ये आल्टो है, ठीक है, 12 लाख इसकी रिजर्व प्राइस है बिडिंग की, 8/3 इसकी लास्ट डेट है, 2020 मॉडल है आल्टो VXL, ये आगे ग्रे कलर की ये वाली। इसी तरह ये मेहरान है, फिर आगे ये कल्टस है, एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगा, लोकेशन इसकी किस जगह पे है, डेट मैं बता दूंगा कि लास्ट डेट कब तक है, जिस दोस्त को समय लगे वो चक्कर लगा सकता है। ये देखें 2019 मॉडल है, 3 लाख रुपए रिजर्व प्राइस इसकी, 8/3/2019 कंडीशन आपके सामने है, ये देखें एक वैगन आ रहा है, फ्रंट साइड भी इसकी दिखाते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये गाड़ी आपको पसंद नहीं आई तो हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर या दोस्त को ये गाड़ी पसंद आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।